हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही चटपटी मसालेदार छोटे आलू फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये आलू से बना है और आलू तो सभी का फेवरेट होता है। तो चलिए सभी की फेवरेट सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम आलू, जिसे उबाल लिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक एक करके सारे छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक करके सारे आलूओं को छील लिया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इन्हें हम चटपटा फ्लेवर देते हैं। तो चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पैन। पैन में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप इसे रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल ऐड करने के बाद, जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और 1 चम्मच राई। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, हम फ्लेम को कर देंगे लो और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 बड़ी साइज़ में कटी हुई लहसुन की कलियाँ, जो हमारे नाश्ते को बहुत ज़्यादा चटपटा फ्लेवर देंगी। तो इन्हें हम लो फ्लेम पे अच्छे से लाल होने देंगे। तो ध्यान रहे, फ्लेम हमारा लो होना चाहिए, नहीं तो जीरा और राई जिससे जल सकते हैं। तो जैसे ये तीनों चीज़ें अच्छे से लाल हो जाएंगी, हमने यहाँ पे जो आलू रखे तो उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे इनके अंदर जो भी मसालों का फ्लेवर है इनके अंदर तक चला जाए और आलू हमारी अंदर तक हल्की से कुरकुरी हो जाए। तो जैसे ही आलू हमारी हल्के से कुरकुरी हो जाएगी, यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, जो हमारे नाश्ते को चटपटा फ्लेवर देगा। और टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इन्हें हम छोटे चम्मच की हेल्प से अलट पलट के इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करते हुए हमारा फ्लेम जो होना चाहिए मीडियम होना चाहिए और 3 से 4 मिनट तक हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे मिक्स करेंगे। आप चाहें चम्मच की हेल्प से मिक्स कीजिए या फिर इन्हें टॉस करके भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमारे देख सकते हैं, सारे मसाले आलू में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया। धनिया भी ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा चटकारा चटपटा आलू बनकर रेडी हो गया है। चलिए इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारी झटपट से बनने वाली चटपटी मसालेदार टेस्टी हेल्दी जीरा आलू फ्राई। इसे आप एज अ स्नैक के रूप में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप किसी भी नॉर्मल खाने के साथ भी इसे सब्जी के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी दोनों ही चीज़ें के लिए काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।